नमस्कार हमें एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपाचे कॉन के फर्स्ट एवर हिंदी प्रेजेंटेशन में. और इट्स रियली आई एम रियली हैप्पी. एंड तो आज हम बात करेंगे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की और दी अपाचे वे की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Cool. Something about myself. I'm Swapnil Ammane, senior technical consultant at Hotbricks Commerce. For Apache Software Foundation, mein, I'm very fortunate ki mujhe kafi kuch roles mile jinko main play kar paya. Aur currently, I'm the member of Apache Software Foundation and the member of Central Services Editorial Team. Uske saath Apache local community. को भी मैं चेयर कर रहा हूँ. एंड देन द प्रोजेक्ट मैनेजर कमिटी ऑफ कॉमडेव वेब बेस एंड द रूलर. तो बात करते हैं अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के बारे में. अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाउंडेशन है. इट्स द लार्जेस्ट ओपन सोर्स फाउंडेशन. मीन्स इस फाउंडेशन के अंदर सबसे ज़्यादा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है. सो एंड इट इज एस्टैब्लिश इन 1999 में स्टैब्लिश हुई थी. और इट्स एन यूएस की नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर्ड है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. एंड जो मेन इसकी जो फंडिंग है वो इंडिविजुअल डोनर्स और कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स के थ्रू आती है. सो यू कैन इमेजिन कि इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर फाउंडेशन अगर रन हो रही है तो थैंक्स टू अवर इंडिविजुअल डोनर्स एंड कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स. अराउंड 300 प्लस लीडिंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग सबसे पहला HTTP सर्वर जिसने नींव रखी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की. और सब कुछ वॉलेंटियर बेस्ड है. अब इसमें ये नंबर जो 300 है, 300 से 350 डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को काउंट करते हो. तो अराउंड अगर अपन टोटल काउंट करें तो 350 प्लस इनिशिएटिव्स है जो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा रन किए जाते हैं. अगर हम बात करें इतिहास की, सो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि सबसे पहले एक ओपन सोर्स जो HTTP वेब सर्वर है वो कुछ लोगों ने मिलकर उसके ऊपर काम करना चालू किया. लोगों ने ऑनलाइन मेल के थ्रू अपने पैचेस को शेयर किया और इस तरीके से अपाचे HTTP सर्वर जो है, वेब सर्वर जो है, वो अस्तित्व में आया. समय के साथ में वो लोग उसमें जुड़ते गए और इस फिलॉसफी में जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने इसको काफ़ी फैसिनेटिंग समझा कि यार किस तरीके से हम लोग वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशंस पे है और एक कोलैबोरेटिव एक सॉफ्टवेयर को बना पा रहे हैं. तो यहाँ से जन्म होता है कि क्यों ना इसको एक फाउंडेशन की तरह बनाया जाए. और वहाँ से उस बिगनिंग से पैचेस के थ्रू जब हम जो मेल शेयर करते थे फेब्रुअरी 1995 के अराउंड से स्टार्ट हुआ था. ऑफिशियली जो ASF एज अ फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई US में वो जून 1999 में हुई. सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम 1995 टू 1999 जहाँ पर इन सब लोगों ने मिल के इसको एज अ फाउंडेशन का रूप दिया. और आज हम देख सकते हैं कि उस अम्ब्रेला में जहाँ पहला प्रोजेक्ट HTTP वेब सर्वर था और आज हम देख सकें कि कितने सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अपाचे के अम्ब्रेला में आ चुके हैं. सो बात करें प्रोजेक्ट्स की तो करंटली देर आर 350 प्लस ओपन सोर्स इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूँ तो, अगर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को मिला लिया जाए और अलग अलग कम्युनिटी मिला ली जाए जो एक्टिव है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में, उसको भी अगर हम लोग ऐसे इनिशिएटिव काउंट करें तो देर आर 350 प्लस ओपन सोर्स इनिशिएटिव. टॉप प्रोजेक्ट जो देर आर मैनी प्रोजेक्ट्स, मैंने कुछ लिस्ट डाउन करे यहाँ पर जिनसे आप लोग काफी कुछ फैमिलियर होंगे. अपाचे HTTP सर्वर, काफ्का बिग डेटा के लिए, मैवन बिल्ड मैनेजमेंट काफी पॉपुलर टूल है, क्लाउड स्टैक और काउच TV, OFS डेफिनेटली, एंटरप्राइज सोर्स प्लानिंग ERP और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और
ई-कॉमर्स रिलेटेड के लिए काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है. देन दी अपाचे कॉमन में वेरियस लाइब्रेरीज है, स्पार्क, कोर्डोवा, टॉमकैट, नेटबिन. इट्स ओपन सोर्स आईडी. वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट इज an IDE which is open source and it's a part of now Apache Software Foundation. And there are many more projects and initiatives. अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने सारे उन प्रोजेक्ट की सबको आपको लिस्ट चाहिए तो आप projects.apache.org पर जाकर सर्च कर सकते हैं. आपको सभी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी और बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, अगर आपको कुछ बिग डेटा की कैटेगरी में इंटरेस्ट है, आपको ईआरपी की कैटेगरी में इंटरेस्ट है, आपको डेटाबेस की कैटेगरी में इंटरेस्ट है, आपको आईओटी में इंटरेस्टेड है, तो आप इस लिंक्स पे जाके प्रोजेक्ट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी. और जो कैटेगरी आपको अच्छी लगे आप उसके बारे में और जान सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को. एक अलग तरीका, एक दूसरे तरीके से अगर आप देखना चाहते हो, सर्चिंग फिल्टरिंग करना चाहते हो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की जो अपाचे में है लैंग्वेज वाइज, अगर आप जावा या C++ या C# या किसी और लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि उस लैंग्वेज के कौन कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अवेलेबल है, तो आप वहां जाके सर्च कर सकते हो, आप लैंग्वेज से भी फिल्टर आउट कर सकते हैं. तो दिस इज सम लिंक अपाचे इन 2095 डिजिट्स. अपाचे की जो 2019 एनुअल रिपोर्ट है जो अर्ली ऑफ जनवरी 2020 में पब्लिश हुई थी, मैंने कुछ स्टेट्स वहां से निकाले हैं ताकि हम ये देख पाए कि अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नंबर्स में अगर हम बात करें तो कितना लार्जर इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर रही है. तो जब हम बोलते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ नंबर्स भी हम देख सकते हैं. टोटल अगर हम प्रोजेक्ट्स और सब प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 339 है, जिसमें से 206 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और 46 जो है वो इंक्यूबेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं. इंक्यूबेटिंग प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है जब आप अपाचे के अम्ब्रेला में आते हो तो किस तरीके से एक प्रोजेक्ट काम करेगा अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में, वो जानने का आपके पास जो मौका रहता है वो अपाचे इंक्यूबेटर के थ्रू होता है. वो इंक्यूबेटर कम्युनिटी किसी भी एक प्रोजेक्ट को गाइड करती है कि किस तरीके से अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में काम होता है किसी भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को लेकर, और देन जब वो ग्रेजुएट हो जाता है तो वो टॉप लेवल प्रोजेक्ट बन जाता है. अगेन ये जो नंबर है ये अर्ली ऑफ जनवरी 2020 है, जब हमने लास्ट 2019 की एनुअल रिपोर्ट सबमिट करी थी, तो डेफिनेटली ये नंबर जो है ये बड़े ही है, राइट. उसके अलावा 11 ASF कम्युनिटीज है जो नॉन प्रोजेक्ट की है, और अदर ग्रुप्स इंक्लूडिंग ऑपरेशन सपोर्ट्स लाइक सेंट्रल सर्विसेस, एडिटोरियल, या फिर अगर हम कमिटी की बात करें तो फंड रेजिंग कमेटी, तो वो इस तरीके से ये सब मिलके अपाचे के टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और नंबर ऑफ कमिटीज है. अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कोर्स जो पिछले साल 2019 में जो एक्टिविटी थी, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 3000 अपाचे कमिटर्स ने मिलके 5930787 से बिग नंबर, इतने बड़े नंबर को हिट किया था, लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखा गया है. सो यू कैन इमेजिन द the impact which created in terms of code Apache Software Foundation के द्वारा. Apache के type 5 top 5 project repository के code base को लेके हम अगर repositories जो है उनको लेके बात करें जो है तो वो Apache Camel, Edgebase, Flink, Beam और Hadoop, ये 2019 की report थी. और अब हम जब एंड ऑफ दिस ईयर 2020 की पब्लिश करेंगे तो वो नए स्टेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं. और अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बाय साइज, लाइन ऑफ कोड किन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा, अगर हम उस आधार से फिल्टर आउट करना चाहें तो अपाचे नेटबीन जो आईडी है, ओपन ऑफिस, फ्लेक्स का व्हाइट बोर्ड जो सब प्रोजेक्ट है, देन माइन्यूट और फ्लेक्स की एसडी के, तो ये टॉप 5 प्रोजेक्ट्स है जिनका कोड बेस जो लाइन ऑफ कोड है उनके आधार पे ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की अम्ब्रेला के अंदर. मेलिंग लिस्ट, तो अपाचे का जो एक कोर पीस है वो मेलिंग लिस्ट, हम आगे इसको और बात करेंगे. तो जस्ट इम्पैक्ट के लिए हम बात करें तो देर आर अराउंड 1399 मेलिंग लिस्ट
और अगर हम बात करें तो इतने मेल्स इन टॉपिक्स पे इतने ऑथर्स के द्वारा शेयर किया गया है 2019 में। तो ये चूंकि एनुअल रिपोर्ट थी 2019 की, तो आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर कितने टॉपिक्स और कितने ईमेल्स कम्युनिकेशन हुआ है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में। और इट्स बिकॉज देर आर मोर देन 300+ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, सो उन हर प्रोजेक्ट की मेलिंग लिस्ट के अराउंड जो कम्युनिकेशन हुआ ये इसका टोटल नंबर है। कुल cool, तो ये बात हुई जो मैंने क्विकली बात करी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के बारे में कि किस तरीके से अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन सोर्स फाउंडेशन है। और अगर हम कुछ डिजिट्स में बात करें तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कितने कम्युनिकेशन मेलिंग लिस्ट पे हुए। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं कि इतनी बड़ी फाउंडेशन चलती कैसे है, क्या उनके आधारशिला है, क्या उनके प्रिंसिपल है, और क्या वो तरीका है जिससे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलती है। मतलब कि यहाँ पर सभी लोग वॉलंटियर्स हैं, और जब वॉलंटियर्स मिलके इतने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कितने कैसे बहुत ही इफिशियंसली चला पाते हैं। तो इसके लिए एक एक बहुत कॉमन टर्म है इंडस्ट्री में, अपाचे पे बहुत ही वेल नोन है सॉफ्टवेयर टर्म्स है ओपन सोर्स की दुनिया में। तो अपाचे वे के बारे में कि वो अपाचे वे क्या है, किस तरीके से अपाचे में काम होता है, तो दैट इज बेसिकली अपाचे वे। और इसको किसी एक पर्सन के द्वारा डिफाइन करा जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जितने वॉलेंटियर्स है उन सब के लिए अपाचे का अपना अपना एक इंटरप्रिटेशन है अपाचे वे का कि उनके लिए अपाचे वे क्या है। लेकिन अगर हम बहुत ही ब्रॉडर में बात करें तो ये वो कोर प्रिंसिपल्स है जो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में फॉलो किए जाते हैं। और बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है ये उसका उसका तरीका है। तो जो ओवर द पीरियड टाइम इवॉल्व हुआ है और उसको नाम दिया गया है अपाचे वे। और ये सिर्फ अपाचे वे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे तो भी एप्लीकेबल है, एट द सेम टाइम आप इस प्रिंसिपल्स को लेके नॉन सॉफ्टवेयर थिंग्स में भी अप्लाई कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इन योर कम्युनिटी वर्क और फॉर एनीथिंग, राइट। सो अपन डिटेल्स में बात करते हैं क्या अपाचे वे है, राइट। तो इसके जो पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर अपाचे स्टैब्लिश हुई है और वर्क करती है, उनमें से वो जो पांच मेन जो पिलर्स है वो है कम्युनिटी, मेरिट, कम्युनिकेशन, ओपन डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग। तो अभी क्या है अपन जैसे उनको डीप डाइव करते हैं, राइट। तो कम्युनिटी, अब अपाचे में कम्युनिटी क्या है, मतलब हम लोग चूंकि पूरी वॉलेंटियर्स की कम्युनिटी है और कोई ऑफिस डेजिनेटेड नहीं है लोगों के लिए, तो हम लोग साथ में रहते नहीं है, इवन कई बार साथ में काम भी नहीं करते क्योंकि सबके टाइम जोन अलग अलग है और कई केसेस में एक दूसरे को जानते भी नहीं है, राइट। सो व्हाट इज दिस देन, हम किस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उस जिसमें आते हैं हमारे सारे डेवलपर्स, राइटर्स, टेस्टर्स, सिस्टम एडमिन टीम और डेवऑप्स और हमारे सारे यूजर्स। तो ये सब मिला के अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की कम्युनिटी बनती है। और इस कम्युनिटी को किस तरीके से हम लोग नर्चर करते हैं और क्या वो प्रिंसिपल है जो इस कम्युनिटी को बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जिस कारण अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन आज इतनी बड़ी हो पाई है, तो उसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। तो कम्युनिटी ओवर कोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हम लोग फॉलो करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक कोड है जो बहुत अच्छा कोड है लेकिन आपकी कम्युनिटी अच्छी नहीं है, तो वो जो सॉफ्टवेयर का कोड है वो समय के साथ में खराब हो जाएगा क्योंकि उसको कम्युनिटी मेंटेन नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर की लाइफ उतनी है जितना आप उसको मेंटेन करते हो। अगर उसकी मेंटेनेबिलिटी खत्म हो गई तो समय के साथ में सॉफ्टवेयर जो है वो डेप्रिकेट हो जाता है। यही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हर प्रोजेक्ट का नेचर होता है। तो अगर आपके पास अच्छी कम्युनिटी अच्छी अच्छा कोड है लेकिन अच्छी कम्युनिटी नहीं है, तो अच्छा कोड भी एक दिन ऑब्सोलेट हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक डिसेंट लेवल या खराब लेवल का कोड है लेकिन आपकी कम्युनिटी काफी एंथुजियास्टिक है और कम्युनिटी उस कोड को बहुत केयरफुली हैंडल करती है और उसको और अच्छा करने की कोशिश करती है, तो डेफिनेटली एक एक जो कोड है वो भी खराब कोड भी अच्छा और बहुत अच्छा समय के साथ होता रहेगा। इसलिए कम्युनिटी ओवर कोड जो है बहुत कॉमन आपको टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी जो हम अपाचे में बहुत कॉमन फॉलो करते हैं। तो कोड के ऊपर कम्युनिटी आती है। कम्युनिटी में जो है अपाचे
अलग अलग लोग अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, अभी हम उनके ऊपर बात करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कमिटर एंड पीएमसी मेंबर्स। कई लोग जो होते हैं कई कॉर्पोरेट्स को बिलोंग करते हैं, तो कम्युनिटी में ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अधिक हम लोग अपाचे में सभी वॉलेंटियर्स को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, दे आर नॉट बिलोंग्स टू एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें कि इररिस्पेक्टिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन यू बिलोंग, आप जिस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उस तरीके से आपकी क्रेडिट्स बिल्डअप होते जाती है। तो ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल है अपाचे का कि हम इसको एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं वॉलंटियर्स को, नॉट एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एंड उनका जो रिकॉग्नाइजेशन है वो एज ए इंडिविजुअल होता है। तो इसलिए ये कम्युनिटी में जब एक इंडिविजुअल पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन दे ट्रीटेड एज ए इंडिविजुअल, नॉट एज ए एम्प्लॉय। तो कम्युनिटी में तो इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग मल्टीपल रोल प्ले करते हैं, तो आप किस रोल में अभी हो वो जनरली आपके सिग्नेचर से क्लियर हो जाता है। जैसे आप अगर मेल भेजते हैं तो आप बोल सकते हो कि मैं ये मेल एज ए एएसएफ डायरेक्टर बोल रहा भेज रहा हूँ, या एज अ पीएमसी मेंबर भेज रहा हूँ, या फिर मैं एक कंपनी के रिप्रेजेंट करते हुए मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मेल भेज रहा हूँ। तो इट्स वियरिंग योर हैट कि आप उस टाइम पे आपने कौन सी टोपी पहनी हुई है और आप किस तरीके से किस हैट को पहन के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें मेरिटोक्रेसी की, तो अभी जो हमने बात करी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आप हमेशा अपने जो कार्य और प्रतिभा है उसके आधार पर आपको अपाचे में जाना जाता है। तो प्रतिभा एक बहुत एक इंटरेस्टिंग टर्म है जो वर्ड आपको मेरिटोक्रेसी दिख रहा है उसका। तो आपके काम के आधार पे आप जिस तरीके से प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो है आगे आपकी जो मेरिट्स है वो बिल्डअप होते जाती है। तो अगर हम बात करें कि जितना आप करते हैं उतनी ज्यादा आपको ताकत मिलती है और जितनी ज्यादा आपके पास पावर आती है एक्शंस लेने के, राइट? तो अगर हम बात करें तो ये कुछ रोल्स है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में। अगेन ये हायरार्की नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि आप एक पीएमसी चेयर अदर पीएमसी चेयर उन दोनों में हायरार्की कुछ है, वो इस तरीके से नहीं है। बस यहाँ पर है कि एक सर्टन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो समय के साथ में आपको बेस्ड ऑन आपके कॉन्ट्रीब्यूशन मिलती जाती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूजर्स आते हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के। तो हर अपाचे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कोई ना कोई यूज कर रहा है, राइट? तो वो जो यूज कर रहे हैं वो यूजर्स कैटेगरी में आते हैं। अब जिस तरीके से अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी कि लोगों ने मेल के थ्रू अपने पैचेस को शेयर किया था, आज पैच की जगह पुल रिक्वेस्ट ज्यादा पॉपुलर टर्म है। तो आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है और उनको कुछ इंप्रूवमेंट या बग फिक्स मिलते हैं और उसको कंट्रीब्यूट बैक करता है तो वो जो है वो कंट्रीब्यूटर कैटेगरीज में आ जाते हैं। देन कमिटर जो है ये वो लोग रहते हैं जिनको कोड में चेंज करने की परमिशन है, एंड इट्स कमिटर हमेशा वो नहीं होते जिन्होंने बहुत सारा कोड कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है या बग फिक्सेस किए। इट्स बेसिकली यू आर कमिटेड टू द प्रोजेक्ट। तो अगर आप लंबे समय तक प्रोजेक्ट के साथ कमिटेड है और आपने कोड के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करे हुए हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग द कम्युनिटी और स्प्रेडिंग द अवेयरनेस और हेल्पिंग अदर पीपल, तो आप कमिटर रोल में के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन कम्स द पीएमसी मेंबर। इट इज बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी होती है जो हर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की जो भी अपाचे के अम्ब्रेला में उनकी एक पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी होती है जो डिसीजन लेती है कि प्रोजेक्ट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसके अराउंड क्या बेसिकली उसके पूरे ऑपरेशंस के लिए ये कम्युनिटी जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेती है। तो कमिटर्स का जो अगली स्टेप आती है वो पीएमसी मेंबर्स की आती है। तो कमिटर्स जो है वो और अच्छा और जब कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो पीएमसी मेंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन अपने पास आते हैं पीएमसी चेयर्स वीपी। तो जो वाइस प्रेसिडेंट एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बोर्ड को जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो सबमिट करने के, और बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन रहता है बोर्ड वगैरह से लेके और इंटरनल पीएमसी टीम में, उसके लिए पीएमसी चेयर जो है वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। फिर आते हैं एएसएफ मेंबर्स। एएसएफ मेंबर्स बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर एक आप कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो, तो वहां पे जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं
क्योंकि हमारी अपाच सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिमिलरली अगर एनालॉगी देखे तो हम जैसे वहां पर कॉर्पोरेट में स्टेक होल्डर्स रहते हैं, वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपाच सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ASF मेंबर्स हैं। देन देर आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इलेक्टेड होते हैं और वो ओवरसाइट करते हैं पूरी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को। एंड देन उसके अलावा हमारे पास प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी हैं जो अगेन पूरे अपाचे के ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगला जो मेन पिलर है वो है कम्युनिकेशन। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे टाइम जोन, वर्ल्ड के हर कोने में लगभग अपाचे का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बात कैसे होती है? तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज द की। तो इसका एक बहुत स्टाइल जो है, जो हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें या फिर जो पैटर्न की बात करें, कि हमेशा कोलेबोरेशन और कोलेबरेटिव और कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इट्स रिकमेंडेड पे, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इसी तरीके से होती है। और अगर कोई कम्युनिकेशन को कोई पॉल्यूट करना चाहता है तो रिस्पेक्टिव पीपल आके उस कम्युनिकेशन को आप ब्रेक कर देते हैं या फिर गाइड कर देते हैं अगर किसी को हेल्प चाहिए रहती कि यार एग्जैक्टली किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसके लिए अपाचे का कोड ऑफ कंडक्ट भी है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से डिटेल लेके किस तरीके से आपको अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है। अगर हम बात करें लैंग्वेज की अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज वी कॉमनली यूज्ड, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी है और चूंकि वाइडली मेलिंग लिस्ट और पैचेस और इन सब पे जो कम्युनिकेशन या होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, तो क्योंकि इट्स अ ग्लोबल कम्युनिटी, इसलिए जो हमारा जो प्राइमरी लैंग्वेज हम लोगों ने सेलेक्ट करी है कम्युनिकेशन के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज है। और चूंकि क्या है कि बोर्ड जो है वो ओवरसी करता है, ओवरसाइट करता है पूरे कम्युनिटीज को, सब प्रोजेक्ट्स को, तो इन सबका एक भाषा के अंदर कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए जितने भी कम्युनिकेशन है वो आपको मिलेंगे अंग्रेजी भाषा में ही किए गए हैं, इसलिए आपको जो अधिकतर कंटेंट भी मिलेगा वो अंग्रेजी भाषा में मिलेगा। और समय के साथ में अभी बहुत सारी जो अपाचे लोकल कम्युनिटी है, जो इनिशिएटिव अपाचे के द्वारा अपाचे कम्युनिटी डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, वो अपाचे लोकल कम्युनिटी अब रीजन स्पेसिफिक भी कंटेंट को जनरेट कर रही है लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज स्पेसिफिक, ताकि हम लोग बाकी लैंग्वेजेस में भी अपाचे के कंटेंट को बिल्ड कर पाए और ताकि रिस्पेक्टिव लैंग्वेज की कम्युनिटी भी हेल्प ले सके उससे। तो उसी का एक इनिशिएटिव का ये आप आउटकम देख पा रहे हैं कि आज ये जो सेशन है ये हिंदी में हो रहा है। सिमिलरली आने वाले जो कुछ सेशंस है वो मैंड्रिन लैंग्वेज में होने वाले हैं। सिमिलरली अपाचे लोकल कम्युनिटी की हम बात करें तो जो करंट कम्युनिटीज है वो मल्टीपल सेशंस और इवेंट्स करते रहते हैं उनकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में। तो सो अगेन, बट द प्राइमरी लैंग्वेज इज डेफिनेटली दी इंग्लिश। अगर हम बात करें इतने सब लोग बात कैसे करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, तो इस पूरी कम्युनिकेशन का जो कोर रहता है वो ये रहता है कि सब कुछ मेलिंग लिस्ट पे होता है। तो मेलिंग लिस्ट क्या होती है? अल्टीमेटली एक लिस्ट होती है जहां पर कोई भी अपने मेल को पोस्ट कर सकते हो, और जैसे आप वहां पोस्ट करते हो तो मेल सब लोगों को रिसीव हो जाता है। सो इट्स अ वेरी प्लेन ओल्ड मेलिंग लिस्ट कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास जो मेजर मेलिंग लिस्ट की कैटेगरी है वो है यूजर। अगर आप एक प्रोजेक्ट के यूजर है और आप जानना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से यूज किया जाए, आपके कोई भी क्वेश्चन है और आप कुछ कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपके लिए यूजर मेलिंग लिस्ट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अपाचे के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको यूजर की मेलिंग लिस्ट मिल जाएगी, तो आप उस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेवलपर मेलिंग लिस्ट जो होती है, ये बेसिकली आपको अगर यूजर लिस्ट पता करनी हो कौन सा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की, तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ओएबिज की, जो ओपन सोर्स ERP सूट ऑफ एप्लीकेशन है, तो आप ohbiz.apache.org में जाकर उसकी मेलिंग लिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप हडूप की देखना चाहते हो तो hadoop.apache.org पे जाके आप उसकी मेलिंग लिस्ट के बारे में डिटेल्स देख सकते हो। डेवलपमेंट मेलिंग लिस्ट क्या होती है? जहां पर प्रोजेक्ट के डेवलपर्स डिजाइन डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन और प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है इटसेल्फ, प्रोजेक्ट के बारे में जो डिस्कशन करते हैं वो डेवलपमेंट मेलिंग लिस्ट पे करते हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस और क्वेरी है, तो डेफिनेटली जो ज्यादा सही मेलिंग लिस्ट है वो यूजर मेलिंग लिस्ट है।
आपको वो उस पर पूछना चाहिए, और आपके पास कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिजाइन प्लान है या नए फीचर्स है जिनको आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, उसको लेके आपको डिजाइन डिस्कशन करना है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, तो आप उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट मेलिंग लिस्ट को यूज कर सकते हैं। कमिट्स और नोटिफिकेशन एक कॉमन लिस्ट है, जब जो भी प्रोजेक्ट्स में जितने भी कोड चेंजेस होते हैं वो जो है उन सब के जो नोटिफिकेशन है वो कमिट लिस्ट पे जाते हैं। उसके अलावा एक प्राइवेट लिस्ट होती है जिसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमिटी है रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट की वो सब्सक्राइब होती है, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट के कंटेक्स में। उसके अलावा अपाचे में कई प्राइवेट मेलिंग लिस्ट है, जैसे मेंबर्स मेलिंग लिस्ट है या फिर प्रेस की मेलिंग लिस्ट है, तो जहां पर इंटरनली प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, जो भी जिसके लिए भी वो मेलिंग लिस्ट बनाई गई है। तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्राइवेट मेलिंग लिस्ट होती है, उसका उसके जो मेजरली जो उसमें कम्युनिकेशन होते हैं वो ये होते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जा सकता है, या फिर नए जो कमिटर्स है उनकी उनके लिए वोटिंग होती है, और जो नए पीएमसी मेंबर्स है उनके लिए वोटिंग होती है। जब बोर्ड के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है कि यार ये रिपोर्ट का ड्राफ्ट है, एंड देन ऑल ऑल सॉर्ट ऑफ अदर अदर प्राइवेट कम्युनिकेशन इन मेलिंग लिस्ट पे होती है। अब हम बात करते हैं अगला जो मेन पिलर है वो है ओपन डेवलपमेंट। क्या होता है कि आप में जितना भी आप एक सॉफ्टवेयर जब अपाचे के अम्ब्रेला में आता है और वो जब ग्रो करता है, तो उसमें किस तरीके से वो आगे बढ़ा हुआ है, उसमें क्या कम्युनिकेशन हुई है, किस तरीके से कोड चेंजेस किए गए हैं, क्या डिसीजन लिए गए हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको मेन लिस्ट पे अवेलेबल रहती है। तो चूंकि इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ ओपन डेवलपमेंट, सब कुछ आपके सामने ही हो रहा होता है, और चूंकि हमारे अगर हम बात करें प्रेजेंस की अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स की, तो वो अक्रॉस द ग्लोब है, इसलिए एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम्युनिटी वाइडली स्प्रेड है और सबकी जो एक्सपर्टीज एरिया है वो भी अलग अलग है। डेफिनेटली सबके मोटिवेशन भी ज्वाइन करने के फाउंडेशन को अलग अलग है, और सबका जो टाइम जोन है वो डेफिनेटली अलग अलग ही है। अगर हम बात करें एक्सपर्टीज की, तो कई लोग कोड लेवल में बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कई डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे है, कुछ लोग आर्ट एंड डिजाइन में काफी अच्छा हेल्प करते हैं, कुछ एडिटोरियल में काफी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और एक बहुत ओपन डेवलपमेंट के लिए जो मेलिंग लिस्ट यूज करते हैं उसके लिए बहुत एक अच्छा फ्रेज यूज किया जाता है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में, कि अगर इफ इट डिडेंट हैपन ऑन द लिस्ट इट डिडेंट हैपन, अगर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में कोई भी चीज मेलिंग लिस्ट पे नहीं हुई हुई है, इसका मतलब है कभी हुई नहीं थी। इसका मतलब है कि आप किसी चैट पे बात करके कहानी को सॉर्ट आउट नहीं खत्म नहीं कर सकते हो, अगर वो मेलिंग लिस्ट पे हुई है तो ही है वो कंसिडर किया जाएगा। इट कुड बी प्राइवेट लिस्ट और पब्लिक लिस्ट। मेजरली रिकमेंडेड रहता है कि हम लोग पब्लिक लिस्ट यूज करते हैं अंटिल अनलेस हम बहुत कोई क्रिटिकल ऐसा डिस्कशन या फिर किसी रीजन से प्राइवेट लिस्ट हमको यूज ना करना पड़े। मेजरली जो अधिकतर कम्युनिकेशन है आपको प्राइवेट लिस्ट में मिल जाएंगे, और जब ये कम्युनिकेशन एसिंक्रोनस होता है तो काफी टाइम मिल जाता है फीडबैक के लिए, डिस्कशन के लिए, न्यू आइडियाज के लिए, और ये हिस्ट्री बन जाती है पुराने नए लोगों के लिए जो आके पुरानी हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। तो कंसेंसस होते हैं विद इन द कम्युनिटी, अगर कोई प्रोजेक्ट रिलीज करना हो या फिर नए कमिटर्स को इनवाइट करना हो या फिर नए पीएमसी मेंबर्स को इनवाइट करना हो, नए मेंबर्स को इनवाइट करना हो, तो उन सब लोगों के लिए जो है वो इन सब जो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए, इसके अलावा भी आपको अगर कोई एक नया फीचर्स है जिसके ऊपर कम्युनिटी जो है वो थोड़ा यस और नो के मोड में कि यार ये फीचर इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उस केस में भी आप जो है वोटिंग कंसेस करवा सकते हो। तो बेसिकली जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो कंसेस ड्रिवन रहती है। तो हम बात करते हैं कि जो वोट्स कब कब लगते हैं, तो अगर आपको जो कंसेस है उसको जो आपको आगे मूव करना है टाइमली मैनर पे, तो वोटिंग बहुत अच्छा उसका रास्ता है, और बेसिकली ये एक ऑफिशियल वे रहता है जिससे हम जो भी डिसीजन हुआ है, जो भी उस पर एग्री डिसएग्री हुए, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रख सकते हैं कि उस टाइम पे वोटिंग हुई थी और अधिकतर लोगों ने +1 किया था। तो ये एक
और आप अगर देखेंगे तो अपाचे कीबल एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली एनालिटिक्स जो आपकी रिपोजिटरी है कोड वगैरह उसको एनालिस करके एक आपको रिपोर्ट देता है। तो प्लस वन जो है प्लस वन सबसे बहुत ज्यादा यूज हुआ एक वर्ड है अपाचे की मेलिंग लिस्ट में, क्योंकि हर कोई जब भी वोट देता है तो बाकी लोग प्लस वन करते हैं, तो प्लस वन का मतलब होता है कि यस आई एम एग्री इट्स लेट्स लेट्स गो फॉर इट। माइनस वन का मतलब होता है कि नहीं यार मजे नहीं आया, या फिर नहीं इसके साथ मेरे को नहीं जाना चाहिए। और फिर आप जब माइनस वन देते हो तो आप रीजन भी देते हो कि इन इन कारण से मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए। जीरो भी होता है, जीरो का मतलब होता है कि वी आर इन न्यूट्रल, हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ बहुत बढ़िया, इट्स लाइक दैट। तो लेकिन माइनस वन के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा रीजन देना पड़ता है, रीजन देना भी चाहिए कि आप क्यों इसका अपोज कर रहे हो। टाइमलाइन की बात करें हम डिसीजन मेकिंग में, तो अराउंड 72 आवर्स का एक ड्यूरेशन रखा जाता है किसी भी वोटिंग के लिए। उसके पीछे जो कारण रहता है वो ये रहता है कि 72 आवर्स में लगभग सभी टाइम जोन्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि जो अपाच की प्रेजेंस है वो ग्लोबल प्रेजेंस है। तो अगर आपने एक एक बोर्ड चालू किया है तो इनफ टाइम सभी अक्रॉस द टाइम जोन्स मिलना चाहिए लोगों को कि वो अपने मेल्स को चेक कर पाए और उस पर रिस्पॉन्ड कर पाए। और इस तरीके से हमको जो कम्युनिटी के इनपुट्स है वो मिल पाते हैं इस पूरे ड्यूरेशन में। तो मिनिमम 72 और फिर मैक्सिमम तो बेस्ड ऑन सिचुएशन सिचुएशन लोग उसका ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, बट मिनिमम इट शुड बी 72 आवर्स। सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब ये तो आपने जान लिया अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के बारे में और किस तरीके से अपाचे के अंदर काम होता है, और वो जो प्रिंसिपल जिनको हम अपाचे वे कहते हैं वो क्या होता है। अब आप अगला स्टेप्स क्या ले सकते हो? तो अगर आप अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में इंटरेस्टेड हो और उसके बारे में और जानना चाहते हो तो www.apache.org एक बहुत अच्छा प्लेस है जहां पर जाके आप जान सकते हो। उसके अलावा announce@apache.org अनाउंसमेंट की जो मेलिंग लिस्ट है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको जो भी बड़े अनाउंसमेंट्स जो भी मेजर अनाउंसमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड या फिर अपाचे की तरफ से होते हैं आपको वो उसके अपडेट्स मिल सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारा स्लैक चैनल भी है, और आप जब अपाचे की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको काफी कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स मिल जाएंगे जिससे आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको पोस्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप, ये तो अपाचे वाइड हो गया, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि उसके बारे में कंटेंट और जान सकते हो, और उसकी मेलिंग लिस्ट को देख के उनको सब्सक्राइब करके आप वहां पर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं एक मेरी साइड से एक जो रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सर्व्ड एक डॉक्यूमेंट्री है अपाच सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की, वो हमारे हिस्ट्री किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और हम किस तरीके से हमारे फ्यूचर को देखते हैं उसको काफी अच्छे से बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जब भी आपको समय मिले तो आप यूट्यूब पे जाके उसे दे सकते हो, और उसकी लिंक हमारी वेबसाइट पे apache.org पे अवेलेबल है। रेफरेंस एंड क्रेडिट्स, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा शैन को और सेली का, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये प्रिटी मच इंस्पायर्ड है शेन की जो स्लाइड्स थी अपाचे वे की उनसे, और जो आपने डिजिट्स देखे हैं वो एनुअल रिपोर्ट है जो सेली ने 2019 की जो एनुअल रिपोर्ट थी जो अर्ली ऑफ जनवरी 2020 में पब्लिश हुई थी वहां से वो कंटेंट को उठाया गया। तो थैंक यू सो मच सेन एंड शेली फॉर क्रिएटिंग दिस दिस रिसोर्सेज दैट दैट हेल्प मी इन इन दिस प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये कुछ था अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अपाचे वे के बारे में। मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन हूँ, आप चैट पे क्वेश्चंस अपना पोस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हूँ। अगर आपको इस सेशन के बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आप जानना चाहते हैं प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस रिलेटेड अपाचे और ओपन सोर्स। So thank you so much everyone for being very very for listening this nicely, and thanks so much. So I'm open for questions. So let me see the chat. Thank you, Swapnil. Okay. Let me create. So for you, I think upon एक जो Zeudin बढ़िया तो अपने पास ओके तो जो आते हेलो आते वी कैन सी यू यस। तो मैं क्वेश्चंस पिक करता हूँ। तो सबसे पहले जैदीन शेख का क्वेश्चन है कि एक लिंक्डइन प्रोजेक्ट गॉबलिन
अभी भी 2016 से इंक्यूबेटर स्टेज में है, प्रोडक्शन में जाने के लिए क्या जरूरी है? वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जन्मदिन. क्या होता है कि इंक्यूबेटर में जो प्रोजेक्ट रहता है उसमें वो सारी चीजें सिखाई जाती है कि किस तरीके से बोटिंग होनी चाहिए, और इसमें देखा जाता है कि कंट्रीब्यूशन और कम्युनिटी किस तरीके से बिल्डअप हो रही है. अगर आप देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए उसकी कम्युनिटी है, और अपाचे में भी हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी ओवर कोर. तो अगर कोई प्रोजेक्ट इंक्यूबेशन स्टेट में है तो बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है इस बात के लिए कि किस तरीके से हम लोग उसको उसकी कम्युनिटी बिल्डअप हो सके. तो अगर मैं बात करूँ गॉबलिंग की, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी कम्युनिटी जो है वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रही होगी, ये एक रीजन हो सकता है. हो सकता है कि कुछ और रीजंस भी हो कि वो जो कम्युनिटी है वो अभी भी सीख ही रही है कि किस तरीके से रिलीजेस करते हैं प्रोजेक्ट की. और इसमें मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सुन के, क्योंकि एक सेशन कल होने वाला है जो आदित्य खुद लेने वाले हैं. उसका टॉपिक ही ये है कि किस तरीके से अपाचे इंक्यूबेटर काम करता है, और एक इंक्यूबेटर से अपाचे का टॉप लेवल प्रोजेक्ट बनता है. तो जैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कल आदित्य का सेशन जरूर ज्वाइन करें, वो भी हिंदी में ही रहने वाला है. और तो उसमें उसमें आपको और डिटेल मिल जाएगी. और कोई भी प्रोजेक्ट इंक्यूबेटर में है तो भी उसकी स्टेबल रिलीज आ सकती है, ये जरूरी नहीं है कि उसका टॉप लेवल प्रोजेक्ट ही होना है. लेकिन हाँ, और ये समय लगता है कम्युनिटी को बिल्डअप करने में, इसलिए शायद वो चीजें टाइम ले रही होगी. और बाकी आप और डिटेल जो है वो आदित्य जो सेशन लेगा उसमें उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली वो कवर करने वाले कि क्या जरूरी होता है. बाकी हाँ, कम्युनिटी और जब और समय के साथ में और उसमें लोग इन्वॉल्व होंगे, और आप उनकी मेलिंग लिस्ट को जाके देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर कई लोग हेल्प कर देते कि क्या रीजन है कि ये टॉप लेवल प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है. कूल, तो आई होप मैंने बहुत ब्रीफली आंसर करने की कोशिश करी, क्योंकि एक बहुत डिटेल सेशन आने वाला है उसमें. तुम भी काफी खुश होंगे इस क्वेश्चन को देख के. बिल्कुल. इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि अपाचे का एक मैच्योरिटी मॉडल है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. बाकी मैं कल इस चीज को अपने सेशन में लूंगा. तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आई होप कि आपका कुछ आंसर मिल गया होगा. अपाचे में काफी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर किसी को ओपन टास्क देखना हो तो कोई तरीका है ताकि नए कंट्रीब्यूटर्स चेक कर सके? ओके, कूल, बिल्कुल अभिषेक, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन. तो अभिषेक, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के लिए दो टूल जो है वो बहुत वाइडली यूज होते हैं. एक होता है जीरा और दूसरा होता है गिटहब. तो अगर हम बात करें जीरा की, तो बेसिकली अटलाशन का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के जो कई जो प्रोजेक्ट्स है वो यूज करते हैं. तो अगर हम बात करें तो आप किसी भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं जीरा के अंदर, और वहां पर आपको सारे जो इश्यूज है वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे. तो जो भी ओपन इश्यूज है आप उनको फिल्टर कर सकते हैं. बेस्ड ऑन आप हर इश्यूज को पढ़ सकते हैं कि क्या ये इशू मेरा इंटरेस्ट का है क्या या नहीं है. इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पहले सही प्रोजेक्ट चुनना है जो आप प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, और उसके बाद आप जीरा में जाके पता कर सकते हो कि कौन कौन से ओपन टिकट्स है और क्या मैं उसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ. तो ये एक जीरा हो गया. उसके अलावा क्या है कि कई प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब के जो इश्यूज है उनको यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में जो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल. तो आप अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जो आपने सेलेक्ट किया है अगर वो गिटहब को यूज करता है और गिटहब इश्यूज को यूज करता है, तो आप वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, और वहां पे आपको मिल जाएगा कि मुझे किस टाइप का कंट्रीब्यूशन या फिर जो एक्चुअली ओपन टास्क है वो आपको दिख जाएंगे वहां पे, और क्योंकि आप फिल्टर कर सकते हो. तो आप अपाचे जीरा या प्रोजेक्ट जीरा टाइप करेंगे तो उस प्रोजेक्ट का मिल जाएगा. बेसिकली आप प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे भी जाएंगे ना तो आपको वहां पे भी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा इशू ट्रैकर वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यूज करता है. और यहाँ पर थैंक यू दीपक. दीपक ने हमारे साथ कुछ लिंक शेयर करी है जिसमें आप सारे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग को देख पा सकते हैं. और incubator.apache.org बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है. ये बेसिकली अपाचे इंक्यूबेटर प्रोजेक्ट है, तो जनतनी आपके लिए जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन की क्या प्रोसेस होती है एक प्रोजेक्ट जब इंक्यूबेटर से टॉप लेवल प्रोजेक्ट बनता है,
तो वहां पर आपको ये डिटेल्स मिल सकती हैं। और आदित्य ने एक helpwanted.apache.org एक शेयर करा है, थोड़ा सा आउटडेटेड है यार ये, बाकी काफी कुछ आपको अगर हो सकता है कि इसमें से कुछ एक आपको चीजें मिल जाए, लेकिन क्या हो रहा है कि चूंकि प्रोजेक्ट जो है वो इतने सारे इवॉल्व हो रहे हैं तो सब प्रोजेक्ट्स का आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर आप इसमें भी कुछ चाहते हैं और आपके आपको लगे कि आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं अभिषेक, तो आपके लिए ये एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है। अगेन थोड़ा सा ये टाइमली अपडेट नहीं होता है, तो बेटर अगर आपको प्रोजेक्ट पता है आपका, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की साइट पे जाके उसके इशू ट्रैकर में जाकर और उनकी जो मेलिंग लिस्ट है उनको जाके वहां पर आप देख सकते हो। तो क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन करने का एक सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप इशू फिक्स करें, आप कई लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। तो आप जाकर जो अपना पर्टिकुलर मेलिंग लिस्ट है उसमें अगर किसी यूजर को आपकी हेल्प चाहिए और जो आपको आता है आप उनकी हेल्प कर सकते हो, या कोई डिजाइन डिस्कशन चल रहा है तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो, और देर आर टन्स ऑफ वेज टू कॉन्ट्रीब्यूट, आप कुछ ट्यूटोरियल बना के हेल्प कर सकते हो। तो आपके लिए मेलिंग लिस्ट और जो इश्यू ट्रैकर है वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन का एक सिंपल रास्ता हो सकता है, राइट? ओके, सो कूल, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड थैंक सो मच रिच फॉर द notification. So we are pretty much done for this this session. And if you still have any question, आपको कुछ भी query है तो आप social media account के थ्रू मुझसे connect हो सकते हैं, अगर आपको इस question इस session से related कुछ question पूछना हो, या open source या Apache पे या Apache के बारे में in general कुछ पूछना हो, तो thank you so much everyone. Have a good day, evening or night ahead. आप जिस भी time zone से, thank you so much. नमस्कार, आऊँ.